भाई आउट नहीं है, भाई आउट नहीं है। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज ना कुछ खास प्लान है नहीं, क्योंकि रात को ना बहुत तेज बारिश हुई थी तो सारे खेत के काम पेंडिंग हो चुके हैं, क्योंकि अभी दो दिन से खेत में निंदाई का काम चल रहा था चने में, तो वो बंद हो चुका है। तो अभी हम पूरे फ्री हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज वर्कआउट भी नहीं करना, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता हूँ और एक दिन संडे के दिन बॉडी रिकवरी के लिए रेस्ट करता हूँ। तो आज संडे है तो आज कोई काम है नहीं, रात को बहुत तेज बारिश हुई थी तो सारे काम बंद हो चुके हैं। तो आज सोच रहा हूँ कि आज बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं आज ग्राउंड पे, तो अभी ग्राउंड पे चलने का सोच रहा हूँ मैं। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर चलते हैं ग्राउंड पे। मेरे को पता था बारिश तेज हुई है, आवाज़ आ रही थी, पर इतना तेज मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ तक पानी आ गया है और इधर भी इस साइड तक पानी आ चुका है। मम्मी अभी घर पे है नहीं, सब लोग दीदी के यहाँ गए हैं तो मेरे को ही साफ़ करना पड़ेगा ये भी। सो गाइस, मैं एक बार ना आपको छत से पूरा व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि आज रात को ना बहुत तेज बारिश हुई थी तो व्यू बहुत अच्छा है। अभी ये यहाँ पे भी पानी भरा चुका है छत पे। भाई बारिश के बाद ना एक सुहाना सा मौसम हो जाता है, वो बहुत प्यारा लगता है। इतनी तेज बारिश हुई हवा के साथ कि सारे फ्लावर झड़ चुके हैं, ये ना पूरा भरा हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था, सारे झड़ गए। अभी 11 बज चुके हैं और मेरे को अभी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सनलाइट आ रहा है छत पे। सनलाइट बहुत ज़रूरी है, अगर तेज़ धूप आ जाएगी तो मौसम खुल जाएगा, क्योंकि ये जो मौसम है बारिश हो जाती है इस टाइम पे जो, ये फसल को बहुत नुकसान करती है, खासकर चने को। तो अभी देखते हैं, अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सनलाइट आ रहा है। तो भाई सारे पेड़ों से डस्ट धुल चुकी है और पेड़ बहुत ग्रीन ग्रीन लग रहा है अभी। सो गाइस, अभी हम ब्रेकफास्ट में लेंगे ये चने जो मैंने लेट नाइट भिगो दिए थे, चने, मूंग और मूंगफली के दाने, और ये एक पपीता जो कि हमारे घर पे ही लगा था। मैं भी आपको इसका पेड़ बताऊंगा, एक ही पेड़ में हमने इतने सारे पपीते खा लिए, मैं अभी आपको उसका पूरा पेड़ दिखाऊंगा आपको। ओ भाई, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि क्रिकेट तो बिल्कुल खेला नहीं जा सकता। ये छोटा सा ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलते हैं। भाई इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि ग्राउंड अगर गीला भी हो गया तो रोड पे खेलने लगे हैं। तो आज रोड पे क्रिकेट खेलेंगे। डाल अंकल खुश हो गए, उनकी वीडियो ले ली। तो अंकल जी को मजे आ गए। भाई गाड़ियाँ जा रही हैं तो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बीच में से बार बार गाड़ियाँ जा रही हैं। ये छक्का, हार्दिक छक्का। कोई गाड़ी वाले को मत मार दे बेटा तू। अरे यार आउट हो गया, आउट हो गया यार बेचारा। सबसे अच्छा खेला भाई तू, सबसे छोटा है लेकिन सबसे अच्छा शॉट मारता है। मैंने पन्नी लगा ली, दीवार गंदी ना हो इसलिए पन्नी लगा ली है। क्रिकेट नहीं रुकना चाहिए लेकिन कुछ भी हो। एवरेटाई आ रही है इधर से, एक और एवरेटाई आ रहा है। माचो बड़े आराम से पहन के नाचो। जब पक रहा है तो बढ़िया चनन में पीरी दी बेटा काटेगी पेप्सी। तू चू चू पेप्सी चू। देख मोनी काटने लगा, बड़े रोक रोक रहे रोक रहे। अरे रोक, काट लेगी। अरे रोक ले मेरे भाव। पेप्सी
पेप्सी पेप्सी उसका नाम बोल दो पेप्सी फिर कुछ नहीं करेगी पेप्सी ले सरा उतर रे अबे पेप्सी अभी सीन ये है कि अभी टेस्ट मैच चल रहा है लोगों का तो अभी खिला नहीं रहे हैं बोल रहा है पूरा मैच हो जाए फिर खेलेंगे थोड़ी ऊपर लगी थी भाई मैंने देखा आउट नहीं है तुम बच्चे के साथ गलत मत लो यार देखो ये देखो फोर बेसी आउट ले रहा है उसको आउट नहीं है तो भी ना तेज शॉट मारता है ना वो नहीं आउट नहीं है आउट नहीं है नहीं आउट नहीं है भाई आउट नहीं हो गया मैच चलो टास्क करो बनावट सही नहीं है हो कौन कौन रहा है टीम तो बैठ लो पहले अलग अलग टीम में होंगे यार कोई मजा आ रहा है अपन लड़ाई हो गई चलो डालो कितने ओवर का सुन तो ओवर बता दे पहले टेस्ट मैच और नियम बता दे भाई कहाँ आउट है क्या चौके छक्के ये वाले खम्भे से लेके वो जो नल लगा वहां तक चौके छक्के और उस साइड गई तो उल्ला उल्ला गई तो आउट और टप्पा खा गई तो नॉट आउट चलो ठीक तो मैच स्टार्ट करते हैं चलो तुझे व्लॉग तो बंद कर दो ब्लॉक तो चलेगा भैया आउट है भैया तू खींचता बहुत यार हार देगा यार नहीं यार आउट है हमेशा खींच नहीं रो मत यार सर आया रो मत आ तू तो खड़ा हो जा मत रो यार हार्दिक तूने उसको मार दिया यार रो रहे यार बेचारा सर तेरी वीडियो बन रही है चुप हो जा जल्दी से चुप हो जा वीडियो बन रही है बेटा चुप हो जाए चल अरे मत रो यार चल अरे यार इतना बड़ा हो गया तू रो रहा है क्रिकेट खेलने आया कौन ने मारा तेरे को हार देख ले अब नहीं मारेगा चल हो जा खड़ा तो गाइस अभी बॉल घूम चुकी है तो अभी ढूंढने आए हम इधर बागड़ में ही है मैं कोई मेरे ख्याल से बागड़ में ही है यार क्योंकि बाकी सब जगह तो साफ है दिख जाती होती तो भाई बॉल मिल चुकी है विक्रम भैया रात में ट्रैक्टर ट्रैक्टर सबने सब भूल चुके हैं इतना पानी गिरा है क्या बताएं बहुत पानी गिरा है अभी मौसम आपको लग रहा हो फेंको ओ भाई तो शाम तक खेल पाएंगे इतनी पानी ज्यादा गिरा है मेरे को नहीं लगता खेल पाएंगे तो गाइस अभी पिच देखने जा रहे हैं कि शाम तक पानी सूख पाएगा कि नहीं खेल पाएंगे या नहीं बहुत गीला है यार बहुत बारिश है नहीं ये तो ये वैसे खेल सकते हैं क्योंकि अरे नहीं यार बहुत ज्यादा गीला है यार अरे मत करो यार पेट खराब हो रहा पूरी कीचड़ हो गई है आज तो नहीं खेल पाएंगे शाम को कल शायद खेल सकते हो गई सब मट्टी मट्टी बॉल जहाँ फेंक रहे हैं भाई तो यार आज क्रिकेट तो खेल नहीं पाया बारिश की वजह से तो अभी घर आ गए हैं खाना वाना खा लिया है और अब सोच रहा हूँ कि नहा लेते हैं क्योंकि अभी दोपहर के दो बज चुके हैं यार ठंड में तो ऐसे चलता है कि कभी दो बजे नहाना कभी नहाना ही नहीं तो बस यही है तो अभी फिलहाल नहा लेते हैं और भाई मौसम अभी भी पूरा ढका हुआ है बादलों से मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ ऐसा लग रहा है रात को और बारिश ना हो जाए पता नहीं देखते हैं क्या होता है
यार नहा तो लिया है पर ठंड इतनी तेज है ना, पूरा शरीर कांप रहा है। तो अभी फटाफट कंघी करेंगे, तेल लगाएंगे और 1 घंटे भी रजाई में आराम करेंगे, क्योंकि ठंड बहुत तेज है, ऐसे में तबीयत खराब हो सकती है। और इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब तबीयत खराब हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो यार बस मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।